नमो अनंता नमो सिद्धा नमो आर्या नमो वैजया नमो लोई सत्सागो सुधात्मान मणिकांतम सात्मिकम मंगलम वंदे संदस्य गजम संदस्य सुखदास्तम मंगलम भगवान की ओर मंगलम गौतम वही मंगलम कुंद कुंदादि और जिंदा गोष मंगल सर्व मंगल मंगल जन सर्व कल्याण कार का प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु सासनम रमो जीव जिमय लभम सिंह भवसिंहेन्द्रम गोविंदवेन वंदम वंदे तम सबदा शेषा। हमारी भाषा भी करने की रहती है, हमें कल्याण करना है, हमें अपना हित करना है, हमें साधना करनी है, हमें सम्मी दर्शन करना है, करने की भाषा रहती है। करने की भाषा अलग बात है, करने का भाव अलग बात है। जितना भी करना है, इन बाल बच्चों को पालन पोषण करना है, माता पिता की सेवा करना है, करने की भाषा रहती है। जबकि सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग तीनों में करने की बात नहीं है। सम्यक दर्शन मन जैसा है वस्तु का स्वरूप ऐसा जान है। सम्यक दर्शन नित्य को अनित्य नहीं बनाता, अनित्य को अनित्य जान करके नित्य का आश्रय करता है। अनित्य को अनित्य समझ कर इस संसार में सुख नहीं है ऐसा जानकर ऐसा मानकर अपने में सुख ढूंढता है। सम्यक दर्शन होने पर उपयोग अंतर्मुख होता ही है, तो जगत के जितने भी प्राणी हैं वे सब सुख चाहते हैं और सुख भीतर है बाहर नहीं। सम्यक दर्शन में करने का निषेध है, पर का कुछ कर सकता नहीं। अपना कार्य अपने बिना रुके होगा नहीं और पर का कार्य अपन कर सकते नहीं। पर मन शरीर भी है, पर मन संयोग भी है, क्या कर सकते हैं? सम्यक दर्शन माने जैसा है वैसा मानना, दुख के कारण को दुख का कारण मानना, दुख के कारण को दुख का कारण मानना, सुख के कारण को सुख का कारण मानना, मानने का नाम सम्यक दर्शन है, करने का नाम तो सम्यक दर्शन है। क्या करें क्या करें? अरे तुम कर क्या सकते हो? तुम्हें शक्ति की है, काय की है? हमेशा आगे कहीं तो क्या करें तो क्या करें? जो भगवान ने किया है वही करो, जो तुम्हें शक्ति नहीं है वो करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जो शक्ति है वो करो, पर का कार्य करने की शक्ति जीव में नहीं है। जीव अपना कार्य कर सकता, करे जो करे, लेकिन अपनी पर्याय को भी आगे पीछे नहीं कर रहे। फिर हम ये विचार भी क्यों कर दिए हैं? करता नहीं, इतना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, सही बात है। पाप के उदय में कोई सहायक नहीं हो सकता। जब तक अंतराय का उदय था, आहार लेने के लिए सब देव गए, शिवमिनी का तो वह था, उसके बाद आहार लेने के लिए गए, न भरत दे सके आहार, न बाहुबली दे सके और न इंद्र दे सके, कहाँ से है?
आज पुराण था कि एक बात का इधर तीजे अभी क्लियर बना दिया इतना नहीं कर सके। जब तक अंतराय का उदय है तब तक नहीं कर सकते। अरे किसी को विधि बता दी, आज की पुलिस को लोग कोसते हैं, अपराधी जब पकड़ा जाता है तब तो श्रेय लेने के लिए अपन अपराधी को पकड़ने के लिए बाद में आएंगे। हम कह रहे इंद्र ने भी बाज बजाने बाद में आ गया, आहार देने क्यों नहीं आ गया। मुंडा आज पार्श्वनाथ पर उपसर होता पहले क्यों नहीं आ गया, पहले कहां गई थी धन्य पद्म, इंद्र कहां गया था। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, नहीं बनता। अगर अपने जीवन में सहाय का निमित्त न बने तो अपने ही पाप का उदय विचार करके क्षमता रखना। एक सेठ था, उसके एक पुत्र था, उस पुत्र को पाप का उदय आया तो सेठ ने बाहर राजा के पास लिया, जाओ अमुक राजा के साथ हमारी मित्रता है, तुम सहयोग मांगना, वे तुम्हें सहयोग देंगे और निश्चित हमारा भरोसा है। गया, पिता ने भेजा, लड़का भी गया, राजा भी मिल गए। राजा ये सोचने लगे इसका पाप का उदय है तो सहायता कर सकते थे, और पुण्य का उदय है तो सहायता करने की जरूरत नहीं। इतनी बड़ी सीट का लड़का सहयोग के लिए आया तो उसने राजा ने चार सुनो, तुम सहयोग के लिए आए हो, एक काम करो, आज तो राजकाज में हम व्यस्त रहेंगे, तब तक बकरी ले आओ 25 और तुम तब तक अपनी गुजर करना और 7 दिन बाद आना, तब तुम्हारी योग करेंगे। अच्छा, अब राजा की आज्ञा से बकरी लेकर के चला गया। 7वें दिन वो आया राजा के पास, महाराज एक बकरी मर गई उन्हें। अरे कोई बात नहीं, मरेगी तो मर जाएंगे। और राजा ने सोचा क्या, अभी बाप का उदय नहीं तो बकरी मरती क्यों। 7 दिन बाद आया, महाराज बकरी का जन्म हुआ, एक बकरी बढ़ गई, बढ़ गई तो तुम्हारी, हम क्या करें, एक काम करो शाम को आ जाना। शाम को आया, घर से भी खबर आ गई कि अपनी कच्ची दीवार वो गिर गई थी, उसकी नीचे हरा निकल पड़ा, तुम रोड है, अब सहयोग की जरूरत ही नहीं है, लौट जाओ। और राजा ने भी कहा एक काम करो, इतना सामान ले लो और उसे व्यापार करो, तुम्हें आराम से रहो। जब पाप का उदय आता है तो कोई सहायक होता नहीं, पुण्य का उदय आता है तब सहायक की जरूरत नहीं, 10 सहायक हो जाते। तुमने पढ़ा है मित्र शत्रु मित्र भी हो जाते हैं पाप उदय के आने पर, मित्र शत्रु भी हो जाते हैं पाप उदय के आने पर, और शत्रु मित्र भी हो जाते हैं पुण्य उदय के आने। दशा कमल का दिया, कमल वो कमल पानी से बढ़ता है और सूर्य से खिलता है, अपनी जगह पर हो तो, और कमल का पत्ता अलग हो जाए तो पानी में सड़ेगा और रग से सूखेगा, क्या हो गया।
तुम अपनी जगह पर रहोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। हमें कल्याण करना है तो फिर भी कल्याण को सोचो तो सही। धन्य भाग्य है कर्पूर्ण साहब का चाहती टीका में लिखा है, मनुष्यों में जो देव के समान होता है वो ब्रह्मचर्य धारण करने में समर्थ होता है। मनुष्यों में जीव कैसे हो जाएगा, जीव के समान कैसे, परिणाम से दस चार माइनस बराबर तीन एक क्यों तीन क्या हुआ चारों चार माइनस तीन बराबर एक हो गए कि नहीं, चार बराबर एक हो गए तो माइनस तो करो प्लस तो करो। ये सीखना चाहिए थोड़ी सी। अगर हमें कल्याण करना है तो मनुष्यों में जीव के समान होगा वो ब्रह्मचर्य को धारण करेगा, जो निर्विकल्प होगा वह कल्याण कर सकेगा। विकल्पों में कल्याण नहीं, कल्याणों में विकल्प है। आत्मस्वरूप के लक्ष्य के बिना कल्याण के विकल्प झूठे हैं, और आत्मस्वरूप के लक्ष्य हो तो कल्याण के विकल्प करने की जरूरत नहीं, कल्याण स्वयं में हो जाएगा। जो जीव आत्मा का आश्रय करता है उसका कल्याण स्वयं ही होता है, जो जीव आत्मा का आश्रय नहीं करता उसका कल्याण होता ही नहीं। पर के पीछे अपने परिणाम क्यों बिगाड़ते रहते। बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय है मिली है, सम्यक दर्शन माने विश्वास करना सीखो। बड़ी बड़ी कंपनियां लिख देती हैं विश्वास, हम आपका विश्वास हमारी पूंजी है, आपका विश्वास हमारी पूंजी है। हम व्यापार विश्वास से ही नहीं करोगे तो हम तुमसे व्यापार कैसे कर पाएंगे। विश्वास रखो ये कच्चा नहीं निकलेगा, विश्वास रखो ये खराब नहीं निकलेगा, विश्वास है तभी तो ले जाओ। विश्वास नहीं होगा तो कैसे ले। आपको एक दृष्टांत दिया था, तस्करी के व्यापार भी विश्वास पर चलते, तस्करी चोरी चोरी के व्यापार भी विश्वास पर चलते। वहां इतना टाइम कहाँ है गिनने का, एक गिनी हो बस बनाटी जी बगल उसने कह दिया, उसने मानी, विश्वास है कि नहीं, और नहीं निकलेंगे कम ज्यादा नहीं होगा और गिनने की जरूरत भी नहीं है। खोटा सिक्का भी खरे के नाम पर चलता है, खरे जिस दिन खोटा उसकी खोट सिद्ध हो जाएगी उस दिन सिक्का वो चलेगा नहीं, वही रुक जाएगा। ए ये सिक्का खोटा है ले लो, तुम कैसे ले हुए धोखे में, किसके धोखे में, खरे के नाम पर चल जाए। अगर खोटे के नाम पर चलना चाहोगे तो नहीं चले। अजीब भी हमारा जीव के नाम पर चला उसे अपना मान है। जिस दिन समझ में आएगी ये तो अजीब है, जीव नहीं है, उस दिन कौन सी मटी है। कौन से प्रीति करेगा, कौन इसकी चिंता करेगा,
कब तक चिंता करता है? जब तक उसे अपना मानता है। अरे पिता भी कन्या का भरण पोषण तब तक करेगा जब तक उसका विवाह नहीं हुआ। जब उसका विवाह हो गया तो वहां देने जाएगा, करने जाएगा। शास्त्र में लिखा है एक कन्या का विवाह करे सील देकर के, कुल देकर के, सदाचार देकर के, पैसा देकर के, उसके बाद भी यदि कन्या दुखी रहती है तो उसके पाप का उधर विचार करके क्षमता रखे। अब क्या कर सकते, पढ़ाई हो गई, अब क्या करोगे? घर में नमक नहीं हो तो सोने से नमक का काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। यद्यपि एक तोले सोने में कितना नमक आ जाएगा, लेकिन सोना नमक का काम नहीं कर सकता। नमक नहीं है तो सोने डाल, जब नमक सोने का काम, सोना नमक का काम नहीं कर सकता, भगवान कैसे करेंगे और तुम कैसे करोगे? अजीब का काम। अजीब अजीब का काम करेगा और अजीब अजीब का काम करते समय भी अजीब ही रहेगा, जीव नहीं बनेगा। सम्यक दर्शन में करना नहीं है और करने में सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन किसी कहते हैं जो रागी को भी रागी बना दे, ऐसा करेगा? अरे राग को दुख का कारण जान करके ही जानेगा और बीज रास्ता को सुख का कारण जान करके उपाधि माने। हम बीज रास्ता के अनुग्रही हैं तो बीज रागी देव हमारा उपास्य है, बाद की हमारा मध्यस्व। हमारे न्याय के ग्रंथों में लिखा, क्या लिखा? पचपा के नमी बीर, महावीर के पति हमारा पचपा चाहिए और न द्वेष है कपिलादिषु। कपिलादिक में द्वेष नहीं, द्वेष नहीं है तो राग हुआ नहीं। फिर भी बीत रागी परमात्मा की पूजा कर रहे, रागी की पूजा नहीं। क्यों? रागी के प्रति मध्य स्वभाव है, बीत रागी की आदर भाव है। मध्य स्वभाव को समझना चाहिए, ये हमारे विपरीत चलता है, ठीक नहीं है। तो तुम्हारे पास भी मध्य स्वभाव है, द्वेष भाव क्यों करते हो? हमने आपको कहा था या तो नहीं बोलेंगे या फिर उल्टा बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे। मुंह फट स्पष्टवादी नहीं होता, स्पष्टवादी मुंह पर नहीं होता, स्पष्टवादी मिश्रवादी भी होता है। ये नहीं मन में आई हो कह दी, ठोक दी, अभी ये क्षमा मांग ली तो क्या करें? अरे ये करो, सबका चार का आदेश पालन करो। जो मंद कथा है वाला, तीव्र कथा वाला जीव है उसे क्षमा मांगने भी नहीं जा, वो तुम्हारी क्षमा का दुरुपयोग का, इन्हें हमसे क्षमा मांगे। अरे ये इनकी मानता है कि तुम्हारी मानता है? क्षमा मांगने मत या, वो तुम्हारी क्षमा का ऐसा उपयोग करेगा। ऐसे तो हमारी क्षमा मांगा था, अभिमान बोझ कर पोषण करेगा, ये तो नहीं समझेगा
बेचारा क्षमा मांगने आया, क्षमा वाले को क्षमा तो नहीं करेगा, लेकिन क्षमा से अपने अभिमान को कुछ जरूर करेगा। इसलिए नीति में लिखा है, नीति माने चरणा जो कहती कथाई जीव से क्षमा मांगना भी ठीक नहीं। तो क्या करें, सल कैसे बना? अरे सल ज्ञान से मिलती है, निशल जो बती। उस दिन हमने कहा था दो चार दिन घूमने से कहीं मन एडजस्ट नहीं हो जाता, तत्व ज्ञान फिर मन निर्मल होता है। इसको तुम मनोरंजन के साधन मानते हो, हम उसको मनोवृत्ति मनोविकृति के कारण समझते हैं। मनोरंजन नहीं होता, चंचल हो जाएगा मन तुम्हारा, वहां की बेमानी देगा चार दिन की। चार दिन के लिए कहीं मेहमान होकर के जाओ, अब तुम पानी का भरोगे, भरा भरा पानी लिए घर तो मांगने पड़े, भूख लगी है, कहना पड़ेगा माँ से कि नहीं। अब तुम वहां मेहमानी करो और मेहमानी मांगो, हाल ही मच्छी बना ली तो कहो निर्लज हो जाएगा। उसकी तुलना अपने घर से मत करो, मेहमान यहां करने गए और तुम तुलना करने लगो और सोचने लगे वहां बहुत बढ़िया, वहां बहुत व्यवस्था दे। ये नहीं सोचोगे उस समय हमारा पुण्य का उदय, इस समय हमारा पाप का उदय, और पुण्य के उदय पाप के उदय में तुमने ये विडंबना क्यों कर रखी, उल्टा क्यों समझा? स्वावलंबन में पाप का उदय कहां से आ गया? माने हमने पानी भरा और छाना, गरम किया, ठंडा किया, प्रासो किया, फिर पी लिया, इसमें पाप का उदय क्या हुआ? इनने वैसा ही पानी हमें दे दिया, प्रासो पानी का करें, पानी पीने हमारे पास पास धरा एक गिलास दो गिलास ले लो, ले लिया हमने पी ली, अब पुण्य का उदय कहां से आ गया? स्वावलंबन को तुम पाप का उदय क्यों समझते हो? हमें क्षमता धारण करनी है, हमें हर हालत में क्षमता रखनी, ठीक है? ये तुम्हें क्षमता रखनी है तो तुम अपनी ओर देखो, पर की ओर देखोगे तो क्षमता रखने पर भी क्षमता नहीं रख पाओगे, भावना बनाने पर भी। शास्त्र में लिखा है मिथ्या सुखी भूमिका में सम्यक भी सुखी भी बोने पर भी अंकुरित नहीं होती, सम्यक भूमिका में बिना बोए अंकुरित हो। माने बिना कहे ही बिना प्रेरणा करे ही वैराग होता, और पाप के उदय पुण्य के उदय में क्या नाम हम कहें भैया कितनी बैराग की घटना पंचम काल में घटन, कौन को वैराग हो गया? ज्ञान प्रकाशक है और चारित्र विकार का दाहक है। अब ये बताओ इसमें करना कहां से आ गया और करने में सम्यक दर्शन ज्ञान चार कहां से आ गया? हम इलाज करा दिया रे तो जाओ, नहीं इलाज करा दिया प्लानिंग करो, बैठो बूढ़ो, तुमने हमसे कही नहीं मैं हम चलते। माने ये अपेक्षा रखते हो हमसे कोई कहे, तुम्हें बता बता करके क्या काम करें ये बताओ।
जबरन अपेक्षा पालता है और जबरन दुखी देता है। हम बोल नहीं पाते, क्यों नहीं बोल पाते, अनफिट बोलते हो, जो नहीं बोलना चाहिए जो बोले, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। बेटी के सामने खड़े हो जाओ, हम क्या बोले, अच्छा अरे नमस्तु नमस्तु बोलो, मंदिर में बाहर खड़े हैं क्या बोले, मंदिर जाते हैं निचाई निचाई बोलो, स्तुति बोलो, भक्ति बोलो, नमस्कार करो, क्या बोले हम क्या बोले, यही कहते हो, स्थिति नहीं बोलोगे क्या बोले हम, चुप रहो, चुप हो जा, खड़े हो जा मंदिर में चुपचाप, और कह दिए क्या बोले, हमारी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी समझ में तुम्हारी भक्ति होगी उपकार होगा तो समझ में आएगी, भक्ति और उपकार नहीं है तो तुम्हारी समझ में क्या क्या बोले हम, क्या बोले ये किसकी समझ में आया, दो चार गाली सुनाओ, झूठी प्रशंसा करो, ये भक्ति गए हैं, इनसे कंतों में आंख बढ़िया कह, गला बढ़िया खाओगे आंख बढ़िया खाओ, भाव बढ़िया खाओगे कि अर्थ लय बढ़िया खाओगे, कुछ नहीं सुनोगे ही नहीं, सुनाई नहीं देता, हम आपसे कहते हैं मन बेटा बना देता है, क्रोध अंधा बना देता है, अगर तुम्हारे अंदर में मन आएगा क्रोध आएगा तो अंधी बेरे हो जाओगे, अगर तुम्हारी भीतर मायाचारी भरी होगी तो गुंगे हो जाओगे, उसका स्वभाव है और स्वभाव कभी अन्यथा नहीं होता, जो लोभ से दुखी होता है अपने पाप से दुखी होता है उसे दुखी करने के लिए बाह्य साधनों की जरूरत नहीं है, तुम्हारा लोभ तुम्हें स्वयं दुखी करेगा, हम नहीं दुखी करेंगे, लेकिन इस बात को समझोगे नहीं, ये कहोगे हमें जाने को का ऊपरी चक्कर है, कोई देवता परेशान करा है, अरे परेशान करा तो भी देवता रहा, देवता तो उसे कहते हैं जो उपसर्ग करने वाले को भी परेशान नहीं कर रहा, परेशान करे तो भी देवता, रात में खाओ तुम तो भी नहीं, ये भगवान नाराज हो जाए, अरे नाराज हो जाए तो भगवान न नहीं रहे, ऐसी मिथ्या मानता पुष्ट करते रहते हैं, कुछ खबर नहीं, अर्चना पाठ की ये लाइन बहुत ही बार याद आती, कष्ट खुद बोधना है रही है, मिथ्या मथ्या है रही है, क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं पता ही नहीं, होश ही नहीं, होश खो बैठे, अभी तुम फटे कपड़े पहने आओ तो हम कहें ये सोवा नहीं है, तुम्हें कहेंगे ही नहीं, अभी मैले कपड़े पहना तो ए इतने मैले सोवा नहीं दे दिया बैठ जाओ, तुमको मैले कपड़े फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए और तुम्हें विपरीत विचार करना चाहिए, इसी के लिए कुछ बात नहीं, हम कहते रहे और तुम सुनते रहो और विपरीत विचार कर देगा, हम नहीं करते ये सोचो, अरे तुम करते हो सो सब विपरीत है, तुम विचार करते हो ये परिस्थितियां क्षणभंगुर है, ये पर्याय क्षणभंगुर है, नहीं विचार करते हम, विपरीत विचार नहीं करते, क्या करते अहंकार में पड़े हो,
हम विचार ही नहीं करते। ये कोई बात है तो असंगी हो तुम, इसका मतलब ये होगा। असंगी वो विचार करने की शक्ति नहीं होती, तुम्हें ये सुनकर के कुछ विचार करने की शक्ति, बात तो सही है। हमारी मान्यता गलत है, हमारी भूल है, पर की इसमें पर का दोस्तों नहीं है। कोई कितना भी करना चाहे लेकिन हमारे उदय के प्रतिकूल नहीं कर पाए, इसने बहुत ऐसी सुनाई हमें तो हमारी उदय ज्यादा सुनाई कम सुनाई। अरे पुण्य का उदय होगा उस समय में तो बहुत प्रशंसा करने लगेगा। आएगा सुनाने, आएगा मारने और बचाने लग जाएगा। एक व्यक्ति के निमित्त ज्ञानी ने कहा, सुनो इस समय तुम्हें राज्य मिलेगा कल शाम को, आज। अच्छा कैसे मिले वो हम जूरो करेंगे। जाकर के राज दरबार में पहुंचा, राज सिंहासन पर बैठा, कुछ बोला नहीं, टांग पकड़ी और खींचा। उसी समय बिजली गिरी, उन्हें कहा अरे मर गए होते अगर सिंहासन पर बैठे हो, राज तुम्हारा आज से, क्या करें। शंका के लिए खेची सरकारी अस्पताल के पास क्वार्टर था, कंपाउंडर था, रोगी चिल्लाता था मर गए मर गए मर गए, ऐसी आफत। उसने स्लो पॉइजन दे दिया, उसके कीड़े निकल गए, आराम से सो गया। कोई दवाई से ठीक नहीं हो रहा था, वो ठीक हो गया। अब क्या करें। उसने औषधि इसलिए तो नहीं दी थी कि ठीक हो जाए, उसने तो मारने के लिए दी, लेकिन वो नहीं मरा, कीड़े मर गए। इन घटनाओं पर तुम्हें विश्वास नहीं होता। तुम बहुत होशियार बने रहो लेकिन काउ ये तो नहीं है, फिनाइल दे दो। और वो फिनाइल पी गया और बस उसको चीज निकल ठीक हो गए। अरे हम कह रहे हैं अगर ठीक करने के भाव से ही करी होती गई जो तुम्हें पुण्य लगेगा पाप लगेगा, अगर तुमने मारने के अभिप्राय से दिए तो पाप लगेगा, बचाने के अभिप्राय से दिए तो पुण्य लगेगा। भीड़ को भगाने के लिए उसने हवाई फायरिंग की है और सामने मर गया है तो अभी उसको सजा नहीं होगी, और युद्ध जीतने के लिए उसने गोली चलाई और बच गया, इससे कोई मतलब नहीं। मरा बचने से हिंसा अहिंसा नहीं होगी। अगर मरने से ही हिंसा होती हो तो ऐसा घर बताओ जिसमें मरता नहीं हो। मारने के भाव से हिंसा होती है, बचाने के भाव से अहिंसा चलेगी, स्वभाव होगा। हम बोलते हैं अरे उतनी देर कितनी द्वेष की ज्वाला में जलती है, हमारे पास माधव स्वभाव नहीं है। कल हमने कहा था कि परसों कहा था, हमने सोची थी ये स्वच्छल है, एक शब्द भी चर्चा की हो किसी ने तो बता, जैसे हम बस ठीक है तुम कहते रहो हम सुनते रहे। अरे सुनते रहो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा अभिप्राय खोटा नहीं है तो हमें तो पुण्य मिलेगा।
डॉक्टर ने दवाई दी, रोगी ठीक हुआ या नहीं हुआ उसी से पैसा मिली। विपरीत चिंतन से बहुत पाप का बंध होता है, बहुत क्लेश होता है। क्लेश शब्द भी क्लेशकारी है, ये समझो। लेकिन भाषा समिति के धारक मुनीश्वर क्लेश शब्द का प्रयोग करते हैं, करते कि नहीं? भाषा समिति के धारक मुनराज क्लेश शब्द का प्रयोग करें, क्लेश सुर का कारण है, क्लेश क्लेश को बढ़ाता है। भाषा समझिए, विषयों में अनुराग होना ये संक्लेश परिणाम है। जिन वाणी में अनुराग होना वो संक्लेश परिणाम नहीं है। एक ऐसा है मंदिर मिल गया तो दर्शन कर लिए, एक ऐसा है कि मंदिर ढूंढ करके दर्शन करे, शिव कसा है। लेकिन शिव कसा है मंदिर कसा है बाद में सोचना, मंदिर के बिना उसे चैन नहीं पड़ रहा, ये उसकी शुभ कथा है। पांच किलोमीटर हम पहले मंदिर जाएंगे और एक मन पांच किलोमीटर है यहां से, अरे पूजा है रहेंगे खा पीजिए मंद कथा है। अरे मंद और तीव्र बाद में देखना, पहले शुभ और अशुभ देखना। पहले शुभ और अशुभ समझना, भले पांच किलोमीटर दूर जाकर के मंद होकर जाता है। किसी दिन पांच किलोमीटर दूर मिला है, किसी दिन समीप मिला है, लेकिन हमने ये सोच लिया अब को जा। अरे बगल में मंदिर होगा उस दिन भी ये सोच रहोगे अब को जा। सैकड़ों हमारे भाव पूजा का नाम ले दुआई देने वाले ये सोचते अब को कपड़ा बदल, कोसामी बनाए, दब पूजा कर दिया हम। दब पूजा कौन ने कह दी? क्या दब पूजा उसी का नाम है और भाव पूजा उसी का नाम है जो तुमने मान लिया? ये धोती दुपट्टा पहना आज जब बनाना ये दर्प पूजा है, बाप पूजा नहीं है। उस समय में मन में स्वरूप का विचार होना ये बाप पूजा है, भगवान होना ये बाप पूजा है, वचन से गुणानुवाद करना स्तुति करना ये दर्प पूजा है। बाहर प्रकट हुई है, तुमने कहां से परिभाषा बनाएंगे अपनी? एक परपाटी चला रखी तुमने, बस सुनी और चले गए, सुनी और चले गए, और बेर बेर पड़ेंगी गुरुओं के कहे हुए अर्थ को बारंबार विचार करता है। ऐसा तो नवीन सूर्दा का स्वरूप जानना, धर्म बुद्धि के निंद कार्यों का त्यागी होता है, कर्म योग कार्य का उद्यमी होता है। ये तो नवीन श्रोता का कार्य है, अभी हमें नए श्रोता भी नहीं है। नए श्रोता मैंने पहले दिन आकर बैठे, हम अपने को श्रोता मान बैठे, ज्ञाता हुए बिना श्रोता हो कैसे गए थे? और श्रोता बने बिना वक्ता हो कैसे गए? तुम्हें प्रवचन छूटने का खेद नहीं है,
तो तुम्हें स्वानुभव करने का अर्थ कैसे हुआ? जिसे स्वानुभव करने का हर्ष होगा उसे प्रवचन छूटने का बहुत खेद नहीं। अरे प्रवचन छूट गए हमारे, बात का मतलब हम झूठ बोल के चले आए, जरूरी तो हम एक प्रवचन छूटेगा कौन का, बात हमें का मतलब बहुत अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगता होता तो ऐसे छोड़ के नहीं जाते, और छोड़ के चले गए इसका मतलब अच्छा नहीं लगता। अभी तुम उठ के चले आ और कहो प्रवचन बहुत अच्छा है, कैसे होगा? और प्रवचन अच्छा होगा तो छोड़ के ऐसे रहे हो, हमें अपना कल्याण करना है। इस भाषा में भी ग्रंथकारों ने लिखा अनादि का मिथ्यात् एक भाव में दूर करना है, अनादि का मिथ्यात् एक भाव में मिटाना है। अभियान चाहिए कहीं दो मजूर लगाए, तीव्र प्रसाद चाहिए आपको, छह महीने का कचरा आज साफ करना, शाम तक एक मजूर लगाए क्या करे वो, और सो रोजानदारी कर। अरे उसको यहाँ शाम तक साफ हो जाना चाहिए, तुम पैसा बताओ क्या आदमी लगेंगे, हम नहीं पूछेंगे, कैसे करोगे हम नहीं जानते, लेकिन शाम तक साफ होना ही हम जानते, क्या करेंगे जुट जाएंगे उसमें। मजदूर काम करेगा अलग और वो काम कराएगा अलग। ए जल्दी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गड़ियां उठाओ, कहेगा कि नहीं कहेगा, क्या तो बच गए अब कब उठेंगे, अब ऐसे चल रहे हुए छुट्टी नहीं है, तब तक ध्यान रखो। कभी हमने सोचा है अपने आत्मकल्याण के लिए? आत्मकल्याण करना है तो संकल्प करो पहले, हमें आत्मकल्याण ही करना है, फिर जितने परिचय होंगे सब सहन कर लोगे। आत्मकल्याण करना नहीं होगा तो परिचय काय को सहन करोगे? एक बार, दूसरी तुम्हें कल्याण करना, कल्याण किसने किया है, किसका कल्याण हुआ है, किसके आश्रय से कल्याण हुआ है, पहचानो। समपायम विंचन्ते, उसके उपाय का चिंतन करो, बस कल्याण करना है। बातें करी विकता से कल्याण तो नहीं हुआ, विष्णों से कल्याण तो नहीं हुआ, विषयों से कल्याण तो नहीं होगा, विष्णों से कल्याण नहीं हुआ, विकता से कल्याण नहीं हुआ। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करने से कल्याण का मार्ग मिलेगा, आत्मानुभव में कल्याण होगा। कल्याण करने के लिए ढर्रा बदलना पड़ेगा अपने, ये पर्याप्त नहीं है, सुन लेना, जैसे जैसे पद्धति बदली बैठ गए और सुन लिया और रह गए और भी विचार चल रहे, किसी कल्याण होगा हमें क्या करना है? और जिस दिन कोई दोस्त बताएंगे उसी दिन चले जाएंगे,
हमने आपको कहा विद्यार्थियों से बच्चियों से गुरुजन डरेंगे तो शिक्षा का क्या होगा। विद्यार्थी अगर डरेंगे गुरुजनों से तो शिक्षा का उत्थान होगा और उल्टा काम हो गया। विद्यार्थियों से अध्यापक पहले डर रहे, उन्होंने सोच ली पढ़ो चम्मच पढ़ो हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या तनखा मिल रही है, चौपट हो गई शिक्षा। तुम कहते हो अधिकार मिल गए, अधिकार नहीं है ये, अधिकार है। जो विद्यार्थी अपने गुरु को गुरु नहीं समझता अधिकार नहीं लायक है। हमें क्या मतलब, हम तो गाड़ी से पढ़ लेंगे, तुम कब से नहीं पढ़ पाओगे। जब गाइड पढ़ने बैठोगे तब तुम सोचो ये तो हम सब जानते ही हैं। अरे गाइड से पढ़ो चाहे गुरु से पढ़ो, चाहे निसर्ग सम्यक दर्शन हो गए चाहे अधिगम सम्यक दर्शन हो गए, बिना उपदेश के तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ और उपदेश से सम्यक दर्शन होगा नहीं। उपदेश का विचार करके उपयोग अंतर्मुखी हुआ स्वानुभव हुआ तब सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन विश्वास का नाम है। किसका विश्वास, एक दशांत हमने कहा था आपसे, सज्जन का विश्वास न करे तो मरेगा, दुर्जन का विश्वास करे तो मरेगा। जंगल में रास्ता भूल गया, एक सज्जन सा व्यक्ति खड़ा था उसे पूछा रास्ता के साथ, विश्वास नहीं करोगे तो मर जाओ। एक डाकू खड़ा है और पूछे हम उसकी रास्ता, वो दुर्जन उसका विश्वास कर दिया तो मरोगे कि लुटोगे पिटोगे। ऐसे लौकिक जनों का तुम विश्वास करोगे तो मरोगे, संयोग का विश्वास करोगे तो मरोगे, पर्याय का विश्वास करोगे तो मरोगे। हमें तो सीधम है, हम तो पानी पी लिया, अरे एंटो मगी दम मक्खी नहीं उड़ा पाओगे, पानी पीना तो बहुत दूर की बात है। इस शारीरिक बल का विश्वास कर रहे हो, हम पे तो पैसा है, पैसा कहा करे वो रास्ते में तुम्हारा पैसा बैंक से निकाल करके ले आ रहे हो और लूट जाए तो क्या करो। पैसे बैंक में ही तुम्हारे नाम से कोई दूसरा निकाल ले तो क्या करोगे, हमारे पास तो पैसा है। पैसा है तो क्या है, मर जाओगे। उस पैसा का मान होगा, हमारे पास तो भैया। तुम कभी साधर्मी को साधर्मी नहीं समझो, क्यों, हमारे पास पैसा है इनके पास पैसा नहीं। अब तुम साधर्मी को साधर्मी समझ सकोगे, धन का मद होता है धन से ज्ञान होता है, रूप का मद होता है रूप का ज्ञान होता है। अरे चिद्रूप का ज्ञान होगा और बाहरी रूप का मद होगा उसमें क्या बात। तुमने ये विचार किया ये हमारे सिंह कितने सुंदर हैं झाड़ियों में अटक गए, बाहर सिंगा भी थी मर गया विचार, बुरी गाय निकल गई सुरभि गाय और पूंछ के बाल उसके उसमें अटक गए किसमें झाड़ी में, गाय खड़ी गई और आत्मानुशासन में लिखा है वह गाय बलि के द्वारा प्राण रहित भी कर दी गई। जिनकी तृष्णा अपरमित होती है उनकी यही दशा होती है। अगर तुम्हें सुरभि गाय की तरह
अटकना नहीं, वो पूरे निकल जाने के बाद भी तो मोक्ष मार्ग को निष्कंटक मार्ग को विष्कंटक मत वो कौन बना रहा है तुम? ये तो तुमने बहुत घटनाएं पढ़ी होंगी, माता पिता की थोड़ी सी चालना से नहीं करी और फिर कहां कहां कैसी कैसी दुर्घटनाएं घटी, कहां जाकर के पड़ गया। ऐसे मोक्ष मार्ग में थोड़े परिचय से नहीं करे और संसार मार्ग के नरक के कष्ट देवगत वो तीन गति के दुख सहन करे। शाकाचार में लिखा है यहाँ जो किसी की बात भी सहन नहीं करते संकलित करने बैठ जाते हैं वे पिंच गति में न के अब सहन कर रहे क्या कर कहाँ जा। अरे उस समय भी पंच परमेश्वरी भगवान शरण होते हैं, उस समय भी ये लगे कहाँ जा क्या करें तो समझ लेना चाहिए। हमने अभी धर्म को समझा ही नहीं, हम रोज पूजा करते कष्ट हो गए, तुमने पूजा करने के भ्रम से अपने को पुजारी मान लिया होगा, भगवान को सुनाने को पूजा मान ली होगी। हम रोज स्वाध्याय सुनते हैं, अनसुनी करते हैं रोज, सुनते नहीं है। अगर सुनते होते तो ये दशा नहीं होती। कुमारचंद स्वामी ने लिखा कल्याण मंदिर सूत्र में, हे भगवान हमें ऐसा लगता है आपके दर्शन तो बहुत दूर की बात है, आपका नाम भी हमने सुना नहीं है। क्यों? अगर सुना होता नाम आदर से भक्ति से उमड़ी होती अंदर में भक्ति तो चौथ पंचम काल में जन्म नहीं होता, विपत्ति रूपी बेचारी हमारे सामने नहीं आ जाती। हम गरुण मंत्र पढ़ रहे सांप दूर रहिए, वाह वाह वाह, गरुण मंत्र पढ़ेगा तो सांप तो दूर रहेगा ही। भगवान पंच परमेश्वरी का स्मरण गरुण मंत्र है, बिचों की सामग्री को भले देना और न देना अमोकार मंत्र का काम नहीं है, लेकिन विषयों की वासना को मेट लेना ये जरूर अमोकार मंत्र का फल है। मौसमी का रथ मिले न मिले लेकिन मौसमी का रथ मिल करके नीरस लग जाए ऐसा अध्यात्म रस आना ये भक्ति का परम फल है। इन मौसमी वर्ष बना बना प्यारे हमें नहीं दे रहे, तुम रोटी खा ली काय खा ली, क्या तुम्हारे उदय में आज रोटी है चुपचाप खा लेना। मौसमी के रस की अभिलाषा मत करना, उदय का विचार करके समता रखना ये हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य की झोली में अधिकार आते ही हैं। कर्तव्य की झोली में ही अधिकार आते हैं, अगर हम प्रजा के प्रति कर्तव्य नहीं करेंगे तो प्रजा राजा को हमारा स्वामी है ये नहीं कहेगी, वो भी प्रजा उसके प्राणों का ग्राहक हो जाएगी। राजा कहता कौन से राजा को स्वामी कहते हैं? जो राजा अपने को प्रजा का सेवक मानता है। हम तो प्रजा के सेवक हैं, हमारे पास का एक खजाना प्रजा का, राज सिंहासन प्रजा का हमारा नहीं है। जो हर
परिस्थिति में अपने को प्रजा का सेवक मानता है, वह प्रजा का स्वामी, सारी प्रजा उसे स्वामी कहती। तुम तीन भुवन के स्वामी कौन को कहोगे? जिसने परमाणु मात्र का स्वामी छोड़ दिया, और हम तुम्हारे स्वामी हैं, तुम हमारे सेवक हो, भग जाएगा वो नौकर भी, भग जाएगा, रह जाओगे वैसे ही। हम तुम्हारे स्वामी, मद आ गया तुम्हें? धन मद का निमित्त है, ज्ञान का निमित्त होगा। मद उत्पन्न करेगा ज्ञान का निमित्त, ज्ञान उत्पन्न करेगा। अरे ज्ञान तो उसका नाम है, ये धन आकार है। ये धन सदुपयोग करने लायक है, ये धन अपना ही नहीं। वैराग्य का निमित्त, और नहीं तो धन के पीछे प्राण दे जाओ। अब हम घरे जो होया है, कछु ले आए, कछु इंतजाम कर आए, ये चुपचाप रहो। ये विकल्पों का त्याग का नाम त्याग है, यही रह जाओ। कल रोटी खाने को कौन खिलाएगा देखो, चिंता मत करो। जे खवाएंगे जे खवाएंगे जे खवाएंगे, चिंता मत करो। जिसका उदय और जे सब बैठ रहे हैं और जे आ जाए, आज तो आज हम कर रहे हैं। और तुम सोचते ही जाओ, वो बहुत दिन से सोच रहे थे हम, तो कौन ने रोको? तो तुम्हारी संसार ने रोका था, तुम कछ गलती न हो जा, बिगड़ न जाता हूं। अरे बनेगो बिगड़ेगो, ये तो भाषा है हमारी तुम्हारी। कार्य तो होता है, बनता बिगड़ता नहीं। कार्य होता है कि बनता बिगड़ता है? होता है। हम मान लेते हैं हमारी इच्छा के अनुकूल है तो बन गया, इच्छा के प्रतिकूल हो तो बिगड़ गया। एक रोटी बच गई, ये खा रही थी अकेले, अब खराब कहाँ जाएगी? अरे भूखे के पेट में पहुंच जाए, पशु भले हो तो खराब हो गई, और तुम्हारे भरे पेट में पहुंचेगी तो अच्छी हो गई। तुम्हारे भरे पेट में ज्यादा पहुंच जाएगी तो एसिड उत्पन्न करेगी, गैस उत्पन्न करेगी, विकार उत्पन्न करेगी। उसका नाम बिगाड़ है कि भूखे के पेट में पहुंच गई तो उस बिगड़ गई, बन गई जी बिगड़ गई। तुमने मान लिया है बनना बिगड़ना, कार्य होता है। झाड़ो यहां से उड़ के यहां आयो, हमने सोचा बिगड़ गया। कार्य बिगड़ा है कि बना है? योग्यता से बना है, हमने मान लिया हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं रहा, बिगड़। कितनी कल्पनाएं करते रहते हैं हम, एक काम सब काम बिगड़ियो। अरे वी सब काम बिगड़ गया, हमने सोची सो कछु नहीं हो, तुमने विपरीत सोची क्यों? तुम सम्यक सोचो, इन कार्यों के अधीन हमारा कल्याण नहीं है, इसलिए हमने अपना जीवन निवृत्ति में नहीं लगाया, यही काम करते हैं। हमने अपना निवृत्ति में जीवन लगाया है अपने कल्याण के लिए, तो जिस कल्याण समता से सहन करने में, स्वभाव का आश्रय करने में, देवराज गुरु का विश्वास करने में, सत्यों का विचार करने में, करो कल्याण, कौन रोकता है? रूखी रोटी आई मोह बिगारो, अरे परिणाम मत लूगा,
शहरी कोशों में अंगार प्राण का कोष लिखा है। इच्छा के प्रतिकूल भोजन आने पर अब का खाना है, मर गए, अंगार नाम का दोष है ये। इस भोजन सामने आया जिसको हम चाहते थे, हम भी चाहते थे, आज तो हमें गुलाब जामुन मिल जाए और मिल गए। हमने सोच दिया बात बहुत बढ़िया, न जाने कितने पदार्थों में हमारा बहुत पुण्य का हो, किसी का नाम पुण्य का हो जाए। अरे गुलाब जामुन की चाह नहीं होना, ये पुण्य का हो जाए। गुलाब जामुन की चाह होना और मिल जाना, ये कोई पुण्य का हो जाए नहीं है। आपने पढ़ा होगा, भाग्यशाली वे नहीं है जिनके पास परिग्रह, भाग्यशाली वे हैं जिन्हें परिग्रह की चाह नहीं। हमारी कल्पनाएं झूठी हैं, विकल्प झूठे हैं, मानता झूठी है। पहले मानता को समय बनाओ, दिशा सही करो, तब चल पाओगे। दिशा अगर विपरीत होगी तो चलना हमारा हमें लक्ष्य से दूर करेगा। हमारी सोचने की दृष्टि अलग होना चाहिए। एक बढ़िया शब्द लिखा है क्षमा मणि में, गुण को अवगुण कह आया में लिखा है, अज्ञानी गुण को भी अवगुण देखता है। अज्ञानी ज्ञानी अवगुण को भी गुण देखता है। दो भाई थे अग्निभूति वायुभूति, दोनों को मामा ने पढ़ाया। बाद में बोले सुनो तुम हमारे भानेज हो, हम तुम्हारे मामा हैं। पहले नहीं बताई तो अग्निभूति ने उपकार माना, तुमने छाती पर ममता कर पर पत्थर रख करके हमको ज्ञान दान दिया, तुम्हारा उपकार हम कैसे भूले। और वायुभूति कहता है तुम काय के मामा, तुमने हमसे भीख मंगवाई, रोटी बनवाई। भाई उन्हें कह दिया हमारी बहन नहीं है, कोई भांजी कहां से आए, अब तुम आ गए हो विपरीत के पुत्र, तो हम तुम पढ़ा देंगे इस झोपड़ी में, अपने ठहर जाओ और अपने रोटी पानी का इंतजाम करो और पढ़ो। तो उसी परिस्थिति में अग्निभूति ने उपकार माना, वायुभूति ने क्या माना, अपकार माना। कमर के जीव को देखो या करें, ऐसे पत्थर लेकर के जंगल में तपस्या कर रहा था, मरभूति काय के लिए गया था, बुलाने के लिए। हाँ यूं फूल बोली आएगो, उठा करके पत्थर पटक दिया। उस क्रूरता को देख करके तपस्वी थरा गए, ये कैसा तपस्वी है, अवेकी है, अज्ञानी है, मूल है, ये कैसा तपस्वी है जो पत्थर पटक रहा है नमस्कार करने वाले ऊपर। अज्ञानी अवगुण को गुण नहीं, गुण को अवगुण करेगा। ज्ञानी अवगुण में से गुण निकालेगा। श्रीपाल ने क्या कहा, अगर धवल सेठ ऐसा काम नहीं करता तो तुम जैसे सज्जन से मिलाप कैसे होगा, गुण माला कैसे बैठ जाए। अगर ये भानों का बेटा कहकर के सूली पर नहीं चढ़ाता तो हमारी कीर्ति कैसे होती। अवगुण में से गुण ग्रहण करने की आदत डालो। अगर ये सारा ही संसार दुर्व्यवहार नहीं करता तो हम मौन कैसे रहते। द्वेष बुद्धि मत करो, मौन है ना अच्छा वा, अच्छा काम है, लेकिन द्वेष से नहीं, भीतर भीतर घुटो नहीं,
भीतर आनंद। एक कर्म अधिकारी था सेना में, राजा वहां पहुंचा नेपोलियन, उसने देखा उसी साधारण सैनिक बना दिया, उसका बिल्ला बिल्ला सब छीन ले। उठो यहां से, किस मूर्ख ने तुम्हें अधिकारी बना दिया? सिपाही सैनिक के रूप में रहने लगा। अब आज्ञा को देने वाला आज्ञा पालन करना पड़ा, लेकिन बहुत प्रसन्न। एक दिन वह राजा नेपोलियन आया, बोली तुम तो बहुत प्रसन्न, और का दुख रो हम, जिम्मेदारी हट गई। जिम्मेदारी हट गई, ये समता कैसे आई? सोचो, विपरीत सोचने से ये हल्कापन आ सकता है। विपरीत सोचना हमारे मस्तिष्क को भारी करता है। सम्यक सोचने से हल्कापन आ जाता है। फिर साफ हो गया, आज हल्के हुए, मन साफ हो गया और हल्के हुए, मन भारी हो गया आज। क्यों? विपरीत सोचा होगा कुछ नहीं। ए चेला, बनना नहीं, बनोगी तो पिटोगी। क्या बना था? साधु बना था। तुझे कहने की जरूरत क्या थी कि मैं साधु हूं? चुपचाप बैठा रहता समता से, तेरी मुद्दा बताती तुझे से साधु है। लेकिन हम साधु हैं, तुम साधु आए पड़े निकल रही थे। साधु हो तो पेड़ के नीचे ध्यान लगा क्या, और चुपचाप बैठे हुए उस व्यक्ति को देख करके, महाराज आपके कमरे में तो कोई साधु महाराज बैठे हैं, अरे कमरा पवित्र हो गया, बोलो मत। हम तो चाहूं नेक देर के आए, चाहूं रह दिए, चाहूं बैठ जाए, उनको छेड़ो मत, उनको आत्म ध्यान करने दो। लेकिन खुजी पड़ी है बनने की। हम बहुत ईमानदार हैं, हम बेईमान हैं, तो हम बेईमान हैं? अरे तुम ही कह रहे हो, हम तो नहीं कह रहे। तो कहा हम आलसी हैं? तुम ही कह रहे हो, हम तो नहीं कह रहे। तो हम गैर जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार आदमी के काम को बताएगा कि ये जिम्मेदार आदमी। गैर जिम्मेदारी आलसी तुम्हारे काम को का काम सिर पर चढ़ के बोलेगा ये जिम्मेदार नहीं है। विचारना,